नमस्ते बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने ऊर्जा के बारे में आपको बताया था ना। ऊर्जा क्या है बच्चों? ऊर्जा यानी ताकत, है ना। तो ताकत हमको कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। अगर हम भोजन करेंगे तभी हमारे पास एनर्जी आएगी, है ना। तो हमने क्या हो गया, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं बच्चों। ऊर्जा के बारे में पढ़ा था हमने। ऊर्जा 6 प्रकार की होती है, हमने आपको बताया था, है ना। जैसे यांत्रिक ऊर्जा हो गया, ताप ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, उसके बाद ध्वनि ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। तो हमने इसके पहले आपके वीडियो में हमने यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बताया था, ताप ऊर्जा के बारे में हमने आपको बताया था, है ना, पवन ऊर्जा के बारे में बताया था। अब हम इस वीडियो में आपको रासायनिक ऊर्जा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं वीडियो में रासायनिक ऊर्जा क्या है। वीडियो में जाने से पहले हमारे जीके जैन स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों, रासायनिक ऊर्जा 4th नंबर क्या है हमारा? रासायनिक ऊर्जा, है ना। तो पदार्थों में जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बनता है। तो आपको मालूम है ना बच्चे, पदार्थ यानी आपको हमने पहले भी बताया है ना कि 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे ठोस हुआ, द्रव हुआ, गैस हुआ, है ना। जब सबके अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे द्रव्य पदार्थ के परमाणु दूर दूर होते हैं ना, और ठोस पदार्थ के परमाणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा में क्या बताया है कि पदार्थों में जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बनता है और रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। जब 2 या 3 रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तब ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जैसे बच्चों देखो, आपने रासायनिक ऊर्जा में जैसे बैटरी हुआ, बैटरी को अगर हम टॉर्च में डालेंगे तो क्या होगा, उससे हमें प्रकाश मिलेगी, तो क्रिया हुई। जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। तो चलो अब इसके उपयोग देखते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग क्या है? हम जो भोजन खाते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है। जो हम भोजन खाते हैं, सबसे पहले वो भोजन क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर वो हमें भोजन क्या करता है, हमें खून के रूप में प्रदान करता है। तो उसमें हमारी रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है। तो हमारे द्वारा जो हम भोजन खाते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। ये दूसरा है, लकड़ी में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा में ताप ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? ताप मिलता है ना, ताप यानी गर्मी। तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। जैसे कोयले की रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है ना, तो कोयले की ऊर्जा से हम क्या करते हैं, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक उत्पन्न करते हैं। फिर दैनिक जीवन में हम जिन बैटरियों का उपयोग करते हैं, हम रोज है सभी में बैटरी का उपयोग करते हैं ना। जैसे हो गया टीवी देखने के लिए भी हम बैटरी का उपयोग करते हैं। रिमोट है ना, रिमोट में क्या रहता है, बैटरी लगी रहती है। तो रिमोट से क्या होता है, हमारी टीवी ऑन हो जाती है। तो दैनिक जीवन में हम जिन बैटरियों का उपयोग करते हैं उनमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। तो आप ये ध्यान रखना बच्चों, जो भी वस्तु में, जो भी पदार्थों में अगर बैटरी का उपयोग होता है तो आप समझ जाना ये हमारी रासायनिक ऊर्जा है। इसके बाद बच्चों, पेट्रोल डीजल में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा द्वारा गाड़ियां चलती हैं। अगर आपके पास गाड़ी है, अगर उसमें पेट्रोल नहीं है, अगर आप उसमें पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना। तो वो ऊर्जा आपकी कौन सी ऊर्जा हो गई? रासायनिक ऊर्जा हो गई। तो पेट्रोल डीजल में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा द्वारा गाड़ी चलती है। तो पेट्रोल डालने से हमारी गाड़ी चलती है। तो पेट्रोल डीजल हमारा रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है, उपयोग है। बच्चों, अभी आपको इसमें दिख रहा है ना, बैटरी दिख रहा है ना। तो बैटरी हमने आपको बताया था ना कि ये रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट, अभी देखो ये किचन में आप मम्मी गैस स्टोव का उपयोग करती है ना, तो बर्नर देखो जल रहा है ना। तो ये भी हमारा रासायनिक का ऊर्जा का उदाहरण है। अभी देखो मैचिस बॉक्स है, ये मैच बॉक्स हम जलाने से उसमें हमें ऊर्जा, रोशनी मिली ना, ताप मिला और रोशनी मिली ना, ये भी हमारा रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है।
इसके बाद देखो बच्चों लकड़ी है, लकड़ी को अगर हम जलाते हैं तो हमें रोशनी भी मिलती है और ताप भी मिलता है, ये भी हमारा रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है। बच्चों पांचवा है हमारा विद्युत ऊर्जा। हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं, है ना। हम ये सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो प्रत्येक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के गतिशील होने पर वस्तुओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के गतिशील होने पर वस्तुओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा से हम क्या क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, षड्यंत्र, जल विद्युत ग्रह और पवन चक्की और ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है। तो पवन विद्युत ऊर्जा किस किस से उत्पन्न की जाती है? हम पवन चक्की से उत्पन्न करते हैं और जल विद्युत से उत्पन्न करते हैं, है ना, आदि से हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। बच्चों अभी विद्युत ऊर्जा के उपयोग। विद्युत ऊर्जा द्वारा विद्युत पंखा, कूलर, दूरदर्शन, एयर कंडीशनर, फ्रिज आदि कार्य करते हैं। दूसरा है विद्युत स्टोव और इलेक्ट्रॉनिक वाटर हीटर आदि विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य करते हैं। विद्युत ऊर्जा का उपयोग कार और ट्रेन चलाने में किया जाता है। फिर बच्चों कारखानों में पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। बड़े बड़े कारखानों में, है ना, क्या करते हैं? विद्युत का उपयोग करके पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। बच्चों अभी आप चित्र देख रहे हैं ना, पंखा है ना, ये हमारे विद्युत ऊर्जा का उदाहरण है। इसके बाद फ्रिज, ये भी हमारे विद्युत ऊर्जा का उदाहरण है। ये टीवी, दूरदर्शन, ये भी हमारे विद्युत ऊर्जा का उदाहरण है। बच्चों प्रकाश ऊर्जा है ना, प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक प्रकार है जो तरंगों, लहरों के रूप में स्थानांतरित होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है। इसमें उपस्थित कणिकाओं को प्रोटॉन कहते हैं, जो ऊर्जा की सूक्ष्म थैलियां हैं। तो बच्चों आपने देखा है ना, सूर्य का प्रकाश देखा है ना, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है। तो इसमें उपस्थित कणिकाओं को प्रोटॉन कहते हैं, जो ऊर्जा की सूक्ष्म थैलियां हैं। केवल ऊर्जा का एक यह रूप मानव आंखों द्वारा देखा जा सकता है। प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी गति 300,000 किलोमीटर पर सेकंड है। बच्चों सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। इस प्रकाश ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य। बच्चों अभी आप चित्र देख रहे हैं ना, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? सूर्य, है ना। तो सूर्य सबसे अच्छा हमारा क्या है? प्रकाश ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण है। बच्चों अगर आप सोच सकते हो, सूर्य क्या सभी पदार्थों को हम क्या करते हैं? सभी पदार्थों को हम प्रकाश के द्वारा ही देख सकते हैं, है ना। चाहे वो सूर्य प्रकाश में देख सकते हो, या तो हम ट्यूबलाइट के प्रकाश में देख सकते हैं, या तो टॉर्च के द्वारा देख सकते हैं। तो जो भी प्रकाश है हम सभी प्रकाश के द्वारा देख सकते हैं। दूसरा है बच्चों, आपने देखा है कभी पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य की किरणों से ही, सूर्य की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जो उनके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों आपने अभी पूरा वीडियो देखा होगा, है ना। तो आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ऊर्जा क्या है, उसके बारे में आप उसको लिखना नोट में। उसके बाद ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा 6 प्रकार की होती है। ऐसे खाली स्थल में भी पूछ सकते हैं, है ना। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो हम एक खाली स्थान मिलाओ में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद एक एक ऊर्जा के बारे में हमने आपको बताया ना, उसका अध्ययन करना, उसके बारे में लिखना,
कि किस किस में कौन कौन सी ऊर्जा मिलती है। जैसे रासायनिक ऊर्जा में हमने आपको कितना सारा पॉइंट बताए थे, है ना, तो वो सभी देखना, वीडियो में देखना कौन सी ऊर्जा का कौन सा उदाहरण है। तो ये सभी सबसे पहले आप रफ नोट में एक बार लिखना, उसके बाद फेयर नोट में उसको अच्छे से देख कर लिखना, और रफ नोट में दो बार लिख कर देखना, फिर उसको याद करना। अगर आपको ये सब वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपके ये वीडियो मेरा पसंद आए तो आप जरूर लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।